नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे दोस्तों विटामिन और उसके प्रमुख स्रोत, जो कि हर एक कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं जनरल स्टडी ग्रुप पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो अच्छा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। आज का क्या टॉपिक है दोस्तों? विटामिन और उनके प्रमुख स्रोत। तो विटामिन ए, फर्स्ट में क्या विटामिन ए, विटामिन ए का मुख्य स्रोत है दोस्तों, ये है मुख्य स्रोत मछली के यकृत का तेल से, मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का, यकृत में जो तेल होता है उससे क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए प्राप्त होता है। मछली के यकृत में जो तेल रहता है उससे क्या प्राप्त होता है? विटामिन ए। टमाटर, ये दोस्तों टमाटर से में ही पाया जाता है। किसमें? टमाटर में, गाजर में, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी यानी अंडा में जो अंदर वाला भाग होता है उसमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। चलिए विटामिन ए क्या क्या कौन कौन चीज प्राप्त होगा दोस्तों? क्या है मुख्य स्रोत इसका? मछली के यकृत का तेल, मछली में जो यकृत आता है उसमें जो तेल भरा जाता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए। टमाटर, गाजर, मक्खन और अंडे की जर्दी, अंडा जर्दी, जर्दी का अर्थ हुआ जो अंडा में बीच वाला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन ए। चलिए अगला देखते हैं। B1 का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों, इसका जो मुख्य स्रोत है इसका है बीज वाले अन्न, मांस, दूध। क्या क्या है दोस्तों? बीज वाले अन्न, बीज वाले अन्न यानी अन्न में जो होगा बीज वाला वो क्या होगा? B1 का स्रोत होगा मांस। मांस में क्या पाया जाता है? B1 पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन, दूध कोमा सोयाबीन, मुर्गा में पाया जाता है और अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, अंडा, यीस्ट आदि में पाया जाता है। अंडा, अंडा में भी पाया जाता है। क्या चीज? B1 पाया जाता है अंडा, विटामिन बी में, B1 में क्या क्या चीज पाया जाता है दोस्तों? विटामिन B1 में क्या क्या चीज है मुख्य स्रोत विटामिन B1 का? बीज वाले अन्न, मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज, अंडा, यीस्ट, ये सबसे क्या मिलता है? B1 प्राप्त, B1 विटामिन B1 मिलता है। यानी B1 का क्या हुआ? ये मुख्य स्रोत हुआ है। इन चीज का सेवन करने से क्या मिलेगा आपको? विटामिन B1 प्राप्त होगा। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन बी टू में दोस्तों विटामिन बी का भी यही मुख्य स्रोत है। क्या है दोस्तों? यही सेम मुख्य स्रोत हो जाएगा इसका भी। चलिए अब चलते हैं विटामिन सी पे। विटामिन सी जो हमें है दोस्तों नींबू, विटामिन सी जो है हमें, विटामिन सी का मुख्य स्रोत कौन सी, क्या क्या चीज पाया जाता है? नींबू, संतरा, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, आंवला और खट्टे पदार्थों में। और किसे पाया था? खट्टे पदार्थ, जो खट्टा पदार्थ उसमें क्या पाया जाएगा? विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, आंवला और खट्टे पदार्थ, इन सब में क्या प्राप्त होगा हमें दोस्तों? विटामिन सी। चलिए देखते हैं आगे विटामिन डी। विटामिन डी
मछली के यकृत का तेल, विटामिन डी। दोस्तों विटामिन डी का मुख्य स्रोत है मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल, मछली के यकृत का तेल। इसमें क्या पाया जाएगा दोस्तों? विटामिन डी पाया जाएगा। और इसके बाद संपूर्ण दूध, यानी किसी भी चीज का दूध, किसी भी चीज का दूध हो, संपूर्ण दूध, इसमें भी क्या पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। और सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन डी, सूर्य की रोशनी। चलिए अब आगे देखते हैं। विटामिन डी के बाद दोस्तों देखेंगे विटामिन, विटामिन डी क्या है दोस्तों? इसका स्रोत, मुख्य स्रोत पत्ती वाली तरकारियां, तरकारियां, पत्ती वाली तरकारियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं यानी फूला हुआ गेहूं, पानी डाल के जो अंकुरित करते हैं यानी फूल जाता है, उसमें अंकुर जैसा पौधा छोटा निकल जाता है, उसी को बोलेंगे अंकुरित गेहूं। अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल, इन ये सभी क्या हुआ? विटामिन ई का क्या हुआ? मुख्य स्रोत हुआ। क्या क्या दोस्तों? पत्ती वाली तरकारियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं और वनस्पति तेल। चलिए विटामिन डी ई के बाद देखते हैं दोस्तों विटामिन के, विटामिन के ये इसका जो मुख्य स्रोत है दोस्तों वो है हरी तरकारियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर, हरी तरकारियां, सोयाबीन का तेल, सोयाबीन का तेल, हरी तरकारियां यानी हरा सब्जी, सोयाबीन का तेल, टमाटर, टमाटर आदि। ये क्या था दोस्तों? क्या चीज के बारे में देख रहे थे? विटामिन और इनके प्रमुख स्रोत। विटामिन ए जो है हमें इससे मिलता है, मछली के यकृत का तेल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे की जर्दी। विटामिन बी बी वन कौन सी चीज, क्या क्या है इसका स्रोत दोस्तों? बीज वाले अन्न, मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज, अंडा, यीस्ट। विटामिन बी टू भी इन्हीं से मिलता है, यानी ये क्या हुआ? बी टू का भी यही मुख्य स्रोत हुआ। विटामिन सी, विटामिन सी जो है दोस्तों नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, आंवला और खट्टे पदार्थ में क्या विटामिन सी का ये क्या हुआ? मुख्य स्रोत हुआ, यानी विटामिन सी इन सब से क्या होता है? प्राप्त होता है। चलिए विटामिन डी के बारे में जान लेते हैं। डी में क्या था दोस्तों? मछली के यकृत का तेल, संपूर्ण दूध, सूर्य की रोशनी। विटामिन ई, विटामिन ई जो है दोस्तों पत्ती वाली तरकारियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं, वनस्पति तेल। और विटामिन के, विटामिन के जो है दोस्तों हरी तरकारियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर आदि में पाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जनरल स्टडी ग्रुप को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।